खरगोन जिले के भिकनगांव नगर में लॉकडाउन के चलते दुकानें पूर्णतः बंद रखी गई और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के लिए सहयोग किया गया। वहीं दिन भर नगर की सारी सड़कें सुनसान नजर आई। दोपहर बाद कुछ दुकानें खुली थी पर शासन की सख्ती के कारण उन्हें बंद कर दिया गया। वहीं दिन भर तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी नायब तहसीलदार क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहे और लोगों को समझाइश दी। इस दौरान मस्जिद चौराहे पर एक किराना व्यवसाय की दुकान सील की गई। दुकान मालिक कालू जयसवाल ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट से माल आया था, उसे अंदर रख रहा था, फिर भी दुकान को सील किया गया जो गलत है। लॉकडाउन के दौरान किराना व्यवसायी द्वारा सामान बेचा जा रहा था जो गलत था, पंचनामा बनाकर दुकान को सील की गई। लॉकडाउन के दौरान खंडवा बड़ौदा राज्य पूरी तरह सुनसान नजर आया। बिकन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। सर आज लॉकडाउन में क्या स्थिति है नगर? देखिए लॉकडाउन में शासन की जो भी गाइडलाइन है उनका पालन कराया जा रहा है और जो अनावश्यक लोग घूम रहे थे उन पर चालानी कार्रवाई भी की गई है और लोगों को समझाइश दी गई कि अपने घरों पर ही रहें ताकि इस महामारी से हम बच सकें। और अभी लगातार हमारी निगरानी इसमें जारी है और थाना मोबाइल भी लगातार वॉच कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।